हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर के मेंटेनेंस के बारे में। ये वीडियो कंप्रेसर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देगा, पूरी जानकारी देगा। कंप्रेसर जो आपके बैचिंग प्लांट्स में यूज़ होता है, कंप्रेसर का यूज़ हम क्यों करते हैं, कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर का मेंटेनेंस कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कंप्रेसर एंड हाउ इट वर्क। कंप्रेसर क्या है और ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। एयर कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच यूटिलाइज एनर्जी टू कंप्रेस द एयर। द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैनी टाइप्स। इट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन वेरियस स्टेज, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज। दोस्तों, जैसा कि एयर कंप्रेसर अपने नाम से ही बता रहा है, इसका यूज़ एयर को कंप्रेस करने के लिए या एयर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है। कंप्रेसर का यूज़ करके हम एयर के प्रेशर को बढ़ाते हैं और इसके वॉल्यूम को रिड्यूस करके इसमें एयर के प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट वन हम जानेंगे कि हम कंप्रेसर का यूज़ बैचिंग प्लांट में क्यों करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, हम बैचिंग प्लांट्स में कंप्रेसर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी आपके मूवमेंट्स होते हैं बैचिंग प्लांट में, जितने भी ऑटोमेशन हैं, जो भी आपका गेट का मूवमेंट हो, फिर वो स्क्रू कन्वेयर के बटरफ्लाई का भी मूवमेंट हो, जितने भी गेट्स उसमें ओपन क्लोज होते हैं आपके बैचिंग प्लांट में, वो सारे मूवमेंट्स एयर प्रेशर के थ्रू ही होते हैं। इसके लिए हमको बैचिंग प्लांट में कंप्रेसर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे बैचिंग प्लांट्स में, इसलिए हम कंप्रेसर का यूज़ बैचिंग प्लांट्स में करते हैं। कंप्रेसर के पार्ट्स जानते हैं। कंप्रेसर के जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। टैंक, चेक वॉल्व, इनलेट फिल्टर, कंप्रेसर, डिस्चार्ज लाइन, ड्राइव बेल्ट, मोटर, प्रेशर स्विच, प्रेशर गेज, मैग्नेटिक स्टार्टर, बॉल वॉल्व, वाटर टैंक ड्रेन। दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, कंप्रेसर के सारे पार्ट्स को इसमें अच्छे से दिखाया गया है कि कंप्रेसर के जो मेन पार्ट्स होते हैं किसको क्या बोलते हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। बात करते हैं कंप्रेसर का मेंटेनेंस कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट, चेक ऑयल लेवल बोथ एयर फिल्टर एंड क्रैंककेस। एयर फिल्टर और जो आपकी कंप्रेसर में क्रैंककेस होती है उसका ऑयल लेवल चेक करते रहें। सिस्टम शुड बी ऑपरेट प्रेशर 9 bar। दोस्तों, जो जनरली यूज़ होता है 9 bar का यूज़ हम करते हैं कंप्रेसर में, लेकिन एज़ पर कंपनी ऑफ नॉर्म्स, जैसा कि आपकी कंपनी जिस बार में आपको यूज़ करने के लिए बोलती है, आप चेक कर लें कि आपके कंप्रेसर में इतने बार का प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक ऑयल लेवल ऑन कंप्रेस्ड एयर। आप कंप्रेसर का ऑयल लेवल चेक करते रहें कि आपका कंप्रेसर का ऑयल लेवल सही है या नहीं। अगर लेवल लो है तो उसमें ऑयल टॉप अप कर दें, और अगर ऑयल अच्छा नहीं है तो उसको चेंज करवा दें। ड्रेन कंडेंस्ड वाटर इन कंप्रेस्ड एयर टैंक बाई ओपन ड्रेन वॉल्व। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, आप कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले उसका जो कंडेंस्ड वाटर होता है उसको ज़रूर रिलीज करवा दें। उसको पहले ड्रेन वॉल्व के थ्रू उसको हमेशा ड्रेन करवा करके रखें, उसके बाद ही कंप्रेसर को स्टार्ट करें। चेक एरिया नियर द वॉल्व इज़ नेसेसरी। दोस्तों, आपके पास जो कंप्रेसर है उसमें वॉल्व एन आर वी वॉल्व लगी होती हैं, उसके आसपास के सारे एरिया को नीट एंड क्लीन करके रखें ताकि उसमें किसी भी प्रकार का डस्ट या कोरोजन ना लग पाए। चेक मोटर डायरेक्शन। ऑलवेज ध्यान रखें आपका कंप्रेसर का मोटर डायरेक्शन कैसा चल रहा है। अगर आपका प्लांट एरेक्शन में है और उसके बाद आप कंप्रेसर का फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो उसके जो मोटर का डायरेक्शन है वो ज़रूर चेक कर लें। चेक कार्बन ऑन डिलीवरी पाइप सिलेंडर हेड चेक वॉल्व। दोस्तों, ये इंश्योर कर लें कि आपके डिलीवरी पाइप सिलेंडर हेड और चेक वॉल्व में किसी भी प्रकार का कार्बन तो नहीं लगा हुआ है। अगर लगा है तो उसको रिमूव करवाएं, उसको साफ़ सुथरा करवा करके रखें। बिफोर रिमूव द ऑयल ओपन कैप रिलीज एयर देन ड्रॉप ऑयल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी ऑयल चेंज करें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप पहले उसके ऊपर का कैप निकाल दें ताकि एयर रिलीज हो जाए, और फिर उसके बॉटम साइड का जो भी कैप है उसको निकाल करके ऑयल ड्रेन करके उसके बाद ही टॉप अप करें। चेक कंप्रेसर एयर लीकेज। दोस्तों, हमेशा ये चेक करते रहें कि आपका कंप्रेसर
जितना आपको जितने बार का प्रेशर रिक्वायर्ड है उतना प्रेशर बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर नहीं बना रहा तो उसको चेक करें और उसके लीकेज को सही करवाएं। आप चेक कर लें कि लीकेज कहाँ से है, कैसे कंट्रोल करना है और उसको सही करवाएं। और हमेशा ये चेक करते रहें कि कहीं से एयर लीकेज तो नहीं हो रही है, क्यों नहीं बना रहा, क्या रीज़न है। ये सारी चीज़ें आप कंप्रेसर में चेक कर सकते हैं। चेक वी बेल्ट टेंशन, दोस्तों हमेशा ये चेक करते रहें कि आपका जो वी बेल्ट आपके कंप्रेसर में यूज़ होता है उसमें बराबर टेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर लूज़ है, वो अगर लूज़ हो गया है वी बेल्ट, तो उसको चेंज करवा करके दूसरा वी बेल्ट यूज़ करें। रिप्लेस फिल्टर इफ़ डर्टी, फ़िल्टर अगर बहुत ही बैड कंडीशन का हो गया है, बहुत ही डर्टी हो गया है, तो उसको चेंज करवा दें, उसको रिप्लेस कर दें। एनआरवी वॉल्व, एनआरवी वॉल्व का हमारे कंप्रेसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉन रिटर्न वॉल्व इज वन वे वॉल्व, इन दिस वॉल्व अलाउ मीडियम टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। नॉन रिटर्न वॉल्व इज फिटेड टू इंश्योर दैट द मीडियम ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप इज करेक्ट और नॉट। रिटर्न वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज चेक वॉल्व, दिस वॉल्व सेल्फ ऑपरेटेड वॉल्व, डज नॉट रिक्वायर एनी हैंड व्हील और गियर फॉर ऑपरेशन। एनआरवी वॉल्व डिजाइन फॉर पर्टिकुलर प्रेशर एक्सीड दैट लिमिट वॉल्व अलाउइंग फ्लूइड टू फ्लो थ्रू इट। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, एनआरवी वॉल्व का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न वॉल्व, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो आपका फ्लो का डायरेक्शन होगा वो वन वे होगा, वो रिटर्नेबल नहीं होगा। इसमें से अगर एक बार गैस निकली तो फिर वो वापस से गैस उसमें डालेगा नहीं। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके कंप्रेसर में आपने अगर 8 बार या 9 बार एडजस्ट करके रखा है, तो उससे ज़्यादा अगर कंप्रेसर गैस बनाएगा तो इसके थ्रू गैस एक्सीड लिमिट जैसे ही होगी इसके थ्रू निकल जाएगी। ये आपको आपके लिमिट से ज़्यादा गैस नहीं भरने देगा। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो नॉन रिटर्न वॉल्व जो होता है उसको हम चेक वॉल्व भी कहते हैं, और वो एक सेल्फ ऑपरेटेड वॉल्व होता है। इसको किसी भी हैंड व्हील और गियर की ज़रूरत नहीं होती ऑपरेशन करने के लिए, ये सेल्फ ऑपरेटेड वॉल्व है। जब भी आप नॉन रिटर्न वॉल्व को कंप्रेसर में फिट करें तो ये ज़रूर चेक कर लें आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो सही है या नहीं है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।